वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी के कुछ अटपटे सवालों का जवाब लेकर के, जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं और बहुत से लोगों ने ईमेल भी किया था और कुछ अजीब से क्वेश्चन किया था कि सर ये बताइए, यूपी में जो है कुल टोटल 75 जिले हैं और 75 जिले से कैसे 80 सांसद चुने जाते हैं, यानी कि जो लोकसभा निर्वाचन की कुल सीटें हैं वो 80 कैसे हैं 75 जिलों में। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का जो सोर्स है मैं प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ, वो विकिपीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है, जिसके लिए PBR स्टडी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि ये जानकारी जो है सभी इंटरनेट के सोर्स के माध्यम से ढूंढी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आपके यूपी से ही मात्र 80 सांसद चुन करके आपके दिल्ली पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा संसद की सीट जो है वो नंबर एक पर है। कहाँ पर है? यूपी में है। इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक भी दिया है महत्वपूर्ण, वहाँ से आप जान सकेंगे कि यूपी में जो है सांसद की कुल 80 सीटें हैं और आपके दूसरा महाराष्ट्र में जो है 48 या 39 लगभग सीटें हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, सबसे पहले नंबर पर है आपका ये कौन सा? यूपी। और सबसे कम सीट जो है सिक्किम में है, मात्र एक सीट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे कौन कौन सा वो मतलब क्षेत्र है, कौन कौन सी वो सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आता है आपका सहारनपुर। सहारनपुर से एक सांसद चुने जाते हैं और इनकी जो वोटिंग होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है? 5 जगह 6 जगह पर होती है। सहारनपुर से चुने जाने वाले सांसद का जो वोट पड़ता है वो नंबर एक बेहट में पड़ता है, नंबर दो सहारनपुर में, नंबर तीन सहारनपुर में, और नंबर चौथा जो है वो सहारनपुर, नंबर तीसरा सहारनपुर नगर, नंबर पाँचवा देवबंद और नंबर छठवा है रामपुरम निहारान। ठीक है ना, तो ये 5 जगह 6 जगह वोटिंग होती है तब सहारनपुर से एक सांसद जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं। उसके अलावा आपका दूसरा जो है वो संसदीय सीट है कैराना। कैराना संसदीय सीट का जो चुनाव होता है वो नकुड़ में होता है, गंगोह, कैरान, थाना भवन और शामली, इन 5 जगहों पर वोटिंग होती है तब यहाँ से एक सांसद चुने जाते हैं। आप लोग जानते हैं जितने भी पार्टी के प्रत्याशी खड़े होते हैं वो हर जगह से, यानी जहाँ जहाँ ये वोटिंग हो रही है हर जगह वही एक प्रत्याशी होते हैं, यानी कि जो भी सांसद बनता है वो इन 5ों जगह से जीतता है तो वो इस सीट का सांसद होता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें इसमें तो मुजफ्फरनगर संसदीय सीट जो है नंबर तीसरे पर आती है, जिसकी वोटिंग होती है बुढ़ाना में, थरथावल, मुजफ्फरनगर और खतौली के साथ साथ सरधना में। इसके बाद हम आपको सीरियल वाइज सब कुछ दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी जानकारी समझ में आएगी। ठीक है ना, और हाँ इतना एक भी बता दूं आपको एक बात कि सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं फूलपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी की सीटों के बारे में और वहाँ की कुछ जानकारी, क्योंकि हमारे कुछ मित्रों ने विशेष सवाल किया है, उनसे संबंधित सवाल मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते चलेंगे और आपको दिखाएंगे टोटल 80 संसदीय सीटों का पूरा डिटेल बायोडाटा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारी यही आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी। तो हम पहुँच चुके हैं अब आपके अमेठी और सुल्तानपुर। अमेठी से एक संसदीय सीट है और सुल्तानपुर से एक सीट है। अमेठी में जो वोटिंग होती है वो 5 जगह पर होती है, मतलब 5 जो है ये जगह पर वोटिंग होती है। इसका विस्तार है नंबर जिसमें पहला है 178 तिलोई, 181 सलोन, 184 जगदीशपुर और 185 गौरीगंज, 186 अमेठी में। इसी तरह से अगर अमेठी से बढ़ते हैं हम लोग उत्तर साइड तो पहुंचते हैं इसौली। इसौली 187, इसौली में भी वोटिंग होती है, 188 सुल्तानपुर, 189 सदर, 190 लम्बुआ और 191 कादीपुर। जी हाँ, इस तरह से 10 जगह पर वोटिंग होती है तो यहाँ से 2 सांसद बनते हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इलाहाबाद और फूलपुर। जी बिल्कुल, जो आप लोगों का सवाल होता है कि कैसे 75 जिलों में 80 सांसद कैसे चुने जाते हैं, तो कुछ ऐसे बड़े ज़िले हैं यूपी के जहां से 2 सांसद चुने जाते हैं, जैसे कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद से 2 सांसद होते हैं, जिसमें फूलपुर से 1 सांसद चुने जाते हैं और इलाहाबाद से 1 सांसद चुने जाते हैं। इस तरह से एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी कि प्रयागराज से ही 2 सांसद चुने जाएंगे। जी बिल्कुल, फूलपुर में जो वोटिंग होती है यहाँ पर 5 जगहों पर, नंबर एक 254 फाफामऊ, 255 सोराव, 256 फूलपुर और 261 इलाहाबाद पश्चिम, 262 इलाहाबाद उत्तर। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी समझ में आएगी। इस वीडियो को किसी पार्टी के सपोर्ट या विरोध में नहीं बनाया गया, बल्कि एक सामान्य जानकारी के आधार पर बनाया गया है। ये वीडियो आप सभी के लिए है, आप इसे एक दूसरे को शेयर करें और जानकारी को समझने की कोशिश करें।
जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे एक तरफ से जहाँ तक हम लोगों ने देखा था उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, शुरू से देखेंगे और 80 सभी सीटों के बारे में देखेंगे, जिसमें उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ के साथ साथ बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद के साथ साथ बिजनौर, कैराना तक चलेंगे। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने अभी कैराना देख लिया था, अब हम चलते हैं नंबर तीसरा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से एक सांसद चुने जाते हैं, यहाँ पर एक संसदीय सीट है और इसकी जो वोटिंग होती है वो 5 जगहों पर होती है। वो कौन कौन से हैं? बुढ़ाना, थरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना में। इसके साथ साथ अगला है नंबर चौथा पर बिजनौर। बिजनौर में जो है एक संसदीय सीट है जिसकी वोटिंग होती है पुरकाजी में, मीरापुर, बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और हाँ, एक वीडियो में ये जानकारी पूरा नहीं हो पाएगी क्योंकि टोटल 80 सीटों की बात होगी, तो इस वीडियो को 2 या 3 भाग में बनाया जाएगा, जिसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इस वीडियो के सभी भाग देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी, सब कुछ समझ में आएगा। जी बिल्कुल। अब आप समझ चुके होंगे, तो नंबर पाँचवा संसदीय सीट की बात करें तो है नगीना। यूपी से जो 5वें सांसद चुने जाते हैं वो नगीना सीट से चुने जाते हैं। नगीना में जो वोटिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है इस संसदीय सीट के लिए? नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नाहटौर और नूरपुर में वोटिंग होती है। जी बिल्कुल, सही समझा आपने। नंबर 6वीं संसदीय सीट है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद चुने जाते हैं उनकी वोटिंग होती है 5 जगहों पर। नंबर 1 बढ़ापुर, कांट, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर, 2 जगह पर वोटिंग होती है। तो यहाँ से यानी कि 5 जगहों से एक सांसद चुने जाते हैं। इसके साथ साथ जो 7वीं संसदीय सीट है वो है रामपुर से। रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो वोटिंग होती है वो सुआर, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक में होती है। इस तरह से इन 5 जगहों पर वोटिंग होती है तो एक सांसद चुने जाते हैं। अगली संसदीय सीट है आपका संभल। संभल में क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी का फ़ोन कॉल या मैसेज ना आया इसलिए हमने फ्लाइट मोड ऑन किया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। संभल में जो संसदीय सीट है इसका चुनाव होता है यानी कि वोटिंग पड़ती है इसकी कुंदर की। नंबर 30 बिलासी, नंबर 31 चंदौसी और नंबर 32 असमोली और नंबर 33 है संभल। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्रम हो सकता है ना मिले कहीं पर एक तरफ से, इस क्रम का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखें 187 इसौली लिखा जाता है, 254 फाफा मऊ, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ के जो मतलब जहाँ पर वोटिंग होती है लोकसभा जो क्षेत्र होता है उसका ये नंबर होता है 187 88, क्योंकि ये टोटल जो वोटिंग होती है वह कुल 403 सीटों के लिए होती है, जिसमें से 403 जगह पर वोटिंग होती है, तो 80 सांसद चुने जाते हैं। इसी तरह से अगला है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा। अमरोहा में 5 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें धनौरा, नौगवा और अमरोहा और गढ़मुक्तेश्वर है। इसी तरह से अगली संसदीय क्षेत्र जो है वो है मेरठ। मेरठ में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो चुनाव पड़ते हैं ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 5 सीटों पर यहाँ भी पड़ते हैं, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ और मेरठ दक्षिण, उसके बाद हापुड़। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें अगला निर्वाचन क्षेत्र आता है बागपत। जी बागपत में जो वोटिंग होती है वो कुल मिला करके आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ भी 5 जगहों पर वोटिंग होती है, मतलब 5 सीटों पर, जिनके नाम क्रम से आप देख रहे होंगे, सिवाल खास, छपरौली, बड़ौत, बागपत, मोदीनगर। जी अगला जो संसदीय क्षेत्र है वो है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद से भी एक सांसद महोदय चुने जाते हैं और इसकी जो वोटिंग होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन 5 सीटों पर होती है गाजियाबाद में। लोनी, जिसका कोड जो है वो 53 है, 54 मुरादनगर और 55 है साहिबाबाद, 56 गाजियाबाद और 58 है धोलाना। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है इस वीडियो में तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वीडियो को आप तक पहुंचाया गया है, जिससे कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। अगला संसदीय क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर जो वोटिंग होती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 सीटों पर होती है, जिसमें नंबर 61 नोएडा, 62 दादरी, 63 जेवर, 64 सिकंदराबाद और 70 जो है वो खुर्जा में है। मैंने आपको बता दिया कि यूपी में टोटल 403 सीटों पर वोटिंग होती है, उसमें से 80 सांसद चुने जाते हैं। और
ये जो क्रमवार आप देख रहे हैं सीरियल, ये क्रम से मिलेगा किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला निर्वाचन क्षेत्र है बुलंदशहर। बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो वोटिंग होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी पांच जगह पर होती है, जो कि है बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई और शिकारपुर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो आप लोग इसमें देख सकते हैं अलीगढ़ है। अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो वोटिंग होती है वह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पांच जगह होती है। ये पांच सीटें कौन कौन सी है ध्यान दीजिएगा, इसमें है खैर, बरौली, अंतरौली, कोल, अलीगढ़। इसी तरह से अगला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है हाथरस। हाथरस से भी एक सांसद महोदय चुन करके दिल्ली पहुंचते हैं, और ये वोटिंग जो होती है इन सभी पांच सीटों पर होती है। 74 नंबर है छर्रा, 77 इगलास, 78 हाथरस, 79 है सादाबाद और 80 सिकंदरा राव। जी बिल्कुल, इस वीडियो में हम लोग 20 संसदीय सीट के बारे में बात करेंगे और कहाँ कहाँ पर वोटिंग होती है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में आप आगे देखेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला आपका संसदीय क्षेत्र है कृष्णा नगरी, मथुरा। मथुरा में जो सांसद चुने जाते हैं, ये सांसद महोदय इन पाँच सीटों से चुने जाते हैं, जिसमें 81 नंबर है छाता, नंबर 82 मांट, नंबर 83 गोवर्धन, नंबर 84 मथुरा और नंबर 85 बलदेव। जी बिल्कुल, अगला जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी कि सांसद महोदय चुने जाते हैं 18 नंबर पर, वो है आगरा से। आगरा में जो चुनाव होता है वो इन पांच सभी सीटों पर होता है, जिसमें आप लोग क्रमवार देख रहे हैं, नंबर 86 एतमादपुर, 87 आगरा छावनी, 88 आगरा दक्षिण और 89 जो है आगरा उत्तर। उसके साथ साथ 106 नंबर जो है वो जलसेर। ये सभी आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीटें हैं। इसी तरह से अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें, आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी ऑल यूपी नहीं ऑल इंडिया में विख्यात है, तो फतेहपुर सीकरी के जो सांसद महोदय चुने जाते हैं वो इन पांच सीटों से चुने जाते हैं, जिसमें 90 आगरा ग्रामीण और 91 फतेहपुर सीकरी, 92 खैरागढ़, 93 फतेहाबाद और 94 है वाह। इसी तरह से जब 20वां सांसद महोदय चुने जाते हैं वो है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव होता है वो टुंडला, आपने देखा होगा अभी आगरा गए हुए थे तो हमने आपको टुंडला से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाया था। और नंबर 96 है जसराना, 97 फिरोजाबाद, 98 सिकोहाबाद और 99 सिरसागंज। इन 20 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में उनका विस्तार आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद जो आगे के बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और वो बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल 20-20 का अगला जो वीडियो होगा इससे बड़ा होगा, कोशिश होगी कि उसमें और ज़्यादा शामिल किया जाए, तो आप लोग समझ गए होंगे। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर दें, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो सके। आप लोग भी चुनाव के नतीजे के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम होता कि आखिर कुल कितनी सीटें हैं और किसको कितनी मिली हैं। आखिर जानकारी अगर आपको होगी तभी तो आप की खुशियां बढ़ेंगी ना, और हाँ खुशियां ऐसे ही नहीं बढ़ेंगी, अगर आप वोटिंग करेंगे तभी बढ़ेंगी। तो अब की बार वोटिंग का परसेंटेज 90-100 होना चाहिए। ऑल इंडिया के सभी नौजवान मित्रों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अवश्य वोटिंग करेंगे, और किसको चुनेंगे यहाँ पर हम किसी की बात नहीं करेंगे, बस अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको बेस्ट लगे, जिससे लगे कि हाँ भारत की कुछ उम्मीदें हासिल हो सकती हैं, उसी को दिल्ली भेजें। जी बिल्कुल, इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते फिर से वही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।